नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं बालोतरा शहर के बारे में। बालोतरा शहर राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक प्रसिद्ध शहर है। इस शहर में तकरीबन 800 कपड़े की फैक्ट्रियां हैं और कुछ 1500 के आसपास ऑफिस हैं, जिनमें सूती वस्त्र, सिंथेटिक, रियोन, शूटिंग शर्टिंग और प्रिंट का कपड़ा तैयार होकर देश के हर कोने कोने में जाने के साथ साथ विदेशों में भी जाता है। आसपास के कई गांवों के लोगों का रोजगार भी इस शहर के औद्योगिक क्षेत्र से मिलता है। अब बात करते हैं इस शहर की भौगोलिक दशा की। यहाँ की रेलवे लाइन ने इस शहर को दो भागों में बांट दिया है, जिसके एक ओर औद्योगिक क्षेत्र, बस स्टैंड और अस्पताल हैं तो दूसरी ओर घनी आबादी क्षेत्र, स्कूल और बालोतरा का हाट बाजार है। यहाँ एक रेलवे का अंडरपास भी है, जो कि बारिश के दिनों में अमूमन पानी से भर जाता है। जब ट्रेन आती है तो इस भौगोलिक दशा के आगे लोगों के वाहनों के पहिए दिन में 3-4 बार रुक ही जाते हैं, लेकिन कई बार हमने एम्बुलेंस के पहियों को भी थमते हुए देखा है, जिससे न जाने कितने ही मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आप सबको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये पहिए ज़्यादा दिनों तक नहीं थमेंगे, बल्कि दुगनी रफ्तार से दौड़ेंगे। आप सब जानते ही हैं कि बरसों से अटके बालोतरा पुल के प्रोजेक्ट को हमारे पूर्व सांसद माननीय कर्नल सोनाराम चौधरी साहब ने अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार से बात करके इसको मंजूरी दिलवाकर इसका शिलान्यास करवाया था। हाँ, हम सब मानते हैं कि इस पुल के निर्माणाधीन कार्य ने फिलहाल 2 महीने से इस शहर की यातायात व्यवस्था को और भी ज़्यादा बदहाल कर दिया है। शहर के मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं, ट्रैफिक को शहर की छोटी छोटी व्यस्त गलियों की ओर मोड़ दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाली दिवाली तक ये पुल आपको बनकर तैयार मिलेगा और आपके गाड़ियों के पहियों को बेवजह रुकना नहीं पड़ेगा। कर्नल साहब, इस नेक कार्य के लिए हम सभी बालोतरा निवासी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके दीर्घ आयु की कामना करते हैं।